देखिए, जब एक ही पार्टी में दो तरह के का व्यवहार होने लग जाएगा तो जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। हम लोगों ने बगावत की, उसका खामियाजा हमने भुगता। सबने अपने पद गमाए, मैंने अपना यूथ कांग्रेस का पद गमाया, पायलट साहब पीसीसी से हटे और सब तरीके की कार्रवाई हुई। और हमने कभी भी उस समय का पूरा एपिसोड आप देख सकते हो कि गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान को हमने कभी भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो 25 तारीख की घटना हुई वो इस कांग्रेस के इतिहास में शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोगों ने बैला पुसलाकर एक जगह लोगों को एमएलए को इकट्ठा किया कि हम इकट्ठे होकर सीएम हाउस जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए, और फिर उनको स्पीकर के घर ले जाया जाता। और इस्तीफे जिस तरह से स्पीकर साहब ने कोर्ट में अपना बयान रखा है कि इच्छा से नहीं दिए गए, तो ये किन लोगों ने दिए? कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर पार्टी के हाईकमान का हमें लोगों में जिंदा रखना है भरोसा, तो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पायलट साहब ने, प्रताप सिंह जी ने, यहाँ की आप राजस्थान की जनता में पूछने जाओगे तो वो ये कहेंगे कि कांग्रेस कौन है, गांधी परिवार, खड़गे जी आला कमान है या कोई दूसरे पावर सेंटर बन गए। तो जिन लोगों ने ये अनुशासनहीनता करी है और जिन लोगों ने राजस्थान की कांग्रेस को, राजस्थान के हाईकमान को नीचा दिखाया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा सीएलपी बुलानी चाहिए, क्योंकि हमें 6 महीने 8 महीने बाद जाना है वापस चुनाव में। और सिर्फ हम प्रशासनिक दृष्टि से, बजट 2013 का भी बहुत अच्छा था लेकिन रिजल्ट्स क्या है? हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है, किनको, अगर सबको एक साथ लेकर चलने की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं तो कोई प्रिय और अति प्रिय नहीं हो सकता। उन लोगों पे, जिन लोगों ने ये काम यहाँ किया है, जिन लोगों पे सरकार ने अनुशासन, हमारी पार्टी ने अनुशासनहीनता की दृष्टि में जिनको रखा, अभी तक उन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रंधावा जी ने एक दिन पहले ये बयान दिया कि हमने महेश जोशी जी पे इसलिए कार्रवाई की है कि वो उस 25 तारीख की घटना में शामिल थे, और दूसरे दिन इस तरीके का बयान आता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए, आम जनता के लिए ऐसे मैसेज अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को एक कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, जो पायलट साहब पे कार्रवाई हो सकती है जिनका जनाधार इस राजस्थान में है, और पिछले 5 साल में जिस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी और पैदल चलकर जनता के बीच जाकर सरकार को लाने का काम किया, उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाती है। और दूसरी तरफ एक सौतेला व्यवहार होता है, वो कहीं भी पार्टी में और जनता के लिए अच्छा नहीं है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।